नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति और हमारे साथ मौजूद हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। वेब वार्ता में आज बात करेंगे भारत चीन विवाद और अजीत डोभाल की। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के लिए बीजिंग का दौरा करने वाले हैं। इसे भारत चीन संबंधों के लिए एक सकारात्मक उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, अभी भारत और चीन के संबंध जिस मोड़ पे हैं, वहां पर इस दौरे से बहुत ज्यादा उम्मीद इसलिए लगाई जा रही है कि इसको उम्मीद की आखिरी किरण के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अभी डोकलाम विवाद को लेकर भारत और चीन की सेना लगातार आमने सामने है। विश्व मंचों पर इसको लेकर चिंता जाहिर की जा चुकी है। भारत और अमेरिका की नौसेना ने संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास भी किया है। इन सारी परिस्थितियों के बीच में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अगर ब्रिक्स देशों की बैठक में भाग लेने वहां जा ही रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि शायद इसके जरिए वो बर्फ पिघले जिसके जरिए ये समाधान मिले कि भारत और चीन के बीच में युद्ध की कोई संभावना अगर बनती नजर आ रही हो तो उसको टाला जा सके। इसलिए अजीत डोभाल जो एनएसए हैं, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उम्मीद इसलिए लगाई जा रही है उनके दौरे से। चूंकि चीन लगातार ये कहता रहा है कि भारत और चीन के बीच किसी भी तरह की बातचीत के लिए पहली शर्त यह है कि भारत को सीमा के उस क्षेत्र से हटना होगा जिस पर इस समय विवाद चल रहा है, ऐसे में क्या चीन से किसी भी तरह की कोई उम्मीद रखना सही होगा? देखिए, चीन पर तो कभी भी पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमारे पास 62 का इतिहास पर्याप्त है। हालांकि 62 के बाद भी भारत और चीन की भिड़ंत हुई है और उसमें कभी भी भारत उस तरीके से पीछे नहीं हटा है जिस तरीके से 62 में उसको हटना पड़ा। असल में 1962 में पंचशील की पृष्ठभूमि में नेहरू जी की जो बातचीत हुई थी माओ से, उसकी पृष्ठभूमि में ये लग रहा था कि चीन कभी भी भारत पर हमला नहीं करेगा, और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे जहां एक तरफ फिजाओं में गूंज रहे थे, वहीं पर अचानक से भारत की धरती पर हमला हुआ, और ऐसा जबरदस्त हमला हुआ कि भारत उस वक्त सैनिक रूप से, मानसिक रूप से बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और भारत को बहुत सारी जमीन खोनी पड़ी। ये इतिहास है, ये हकीकत है। तो चीन कभी भी सीधी रणनीति नहीं अपनाता है। अभी भी आप देखिए कि चीन ने ऐसे क्षेत्र में सेना भेजी जहां पर सेना भेजने का उसको कोई अधिकार नहीं है, और फिर वो विक्टिम कार्ड खेलने लगता है। वो एक ऐसा बच्चा है जो गलती भी खुद करता है, बदमाशी भी खुद करता है, और फिर रोने लग जाता है कि उसके साथ अत्याचार हुआ। चीन बहुत ज्यादा धूर्तता के साथ इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है, और हमें उसके साथ बहुत संभल कर आगे बढ़ने की जरूरत है। देखिए, जहां आज अजीत डोभाल की यात्रा जो होने वाली है ब्रिक्स एनएसए जो है सारे उनके साथ, उसको लेकर इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन चीन से ही एक जो बयान आया है उसकी नजर में हम देखते हैं कि इस यात्रा से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। चीन से ये बयान आया है कि डोकलाम का जो सारा विवाद है उसके मुख्य षड्यंत्रकर्ता अजीत डोभाल है। तो जिस व्यक्ति को चीन इस पूरे मसले की जड़ मानता है, इस मसले का मुख्य षड्यंत्रकर्ता जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसके पीछे, उससे वो क्या बात करके इस मामले को हल कर पाएंगे, इसमें बहुत सारी शंकाएं नजर आती है। लेकिन कूटनीति हमेशा अपने तरीके से काम करती है, और कूटनीति में कहा जाता है कि युद्ध के बीच में भी उसके दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए। जिस तरह से चीन भारत को युद्ध छेड़ने की धमकी दे रहा है, अगर दोनों देशों के भौगोलिक और अन्य स्थितियों पर नजर डालें तो क्या वास्तव में युद्ध की स्थिति निर्मित हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और अभी जो परिस्थितियां उसमें तो सभी को नजर यही आ रहा है कि अब एक अवश्यंभावी युद्ध की तरफ भारत और चीन बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये एक पूर्ण स्तरीय युद्ध की स्थिति निर्मित होगी। हम जैसे छोटे विवाद बीच में भी हुए हैं और उसके बाद विवाद का खात्मा भी हुआ है और भारत ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी है, वैसी ही स्थितियां बन सकती है। 62 के बाद 67 में भी हुआ था, उसके बाद 87 में भी, तो इस तरह की स्थितियां फिर से निर्मित हुई हैं। और कुल मिला के ये सारा विवाद डोकलाम को लेकर हो रहा है। डोकलाम वो क्षेत्र है जो सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और भूटान और चीन के बीच में एक ऐसा खाली क्षेत्र है जो ज्यादातर भूटान के आधिपत्य में आता है, लेकिन वहां पर डोकलाम क्षेत्र एकमात्र ऐसा पठारी इलाका है जो ऊंचाई पर है, और चीन अपने भीतर से एक जो लंबी सड़क बनाता हुआ चला आ रहा है, वो सड़क का एक सिरा वो डोकलाम में जोड़ना चाहता है। अगर उसकी वहां तक की सड़क बन गई और उपस्थिति बन गई तो उस सारे इलाके को वो ऊंचाई से देख सकता है, और युद्ध की स्थिति में उसको बहुत ज्यादा फायदे की स्थिति मिलती है अगर वो डोकलाम पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। और चीन का जो इतिहास रहा है, जिसने तिब्बत पर जबरदस्ती कब्जा किया, जिसने हांगकांग को अपना, तो चीन की आधिपत्य जमाने की, जमीन पर कब्जा करने की नीति रही है। अभी जिस तरीके की हरकतें वो पाक अधिकृत कश्मीर में कर रहा है, पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर उस क्षेत्र पर कब्जा जमाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से वो अपने व्यापार के रास्ते के नाम पर सामरिक रास्ते बनाता चला रहा है, चीन एक ऐसा देश है जिससे कभी भी हम
पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकते, उससे हमेशा संभल कर चलना होगा। और ताजा डोकलाम विवाद में भारत ने जो रुख अपनाया है, कड़ा रुख अपनाया है, जब आपने जैसा कहा कि चीन ने कहा है कि भारत अपनी सेना पहले हटा ले उसके बाद ही हम सेना हटाएंगे, वहीं सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री उन्होंने भी कहा कि जब तक चीन अपनी सेना, क्योंकि चीन पहले आया है उस क्षेत्र में, हम तो केवल उस क्षेत्र में अपनी रक्षा करने के लिए हमने कदम, तो हमारी कार्रवाई जवाबी कार्रवाई है, जवाबी कार्रवाई वापस तभी हो सकती है जब आपने जो कदम बढ़ाया उसको पीछे करें, तो चीन की सेना को पीछे हटना होगा तब भारतीय सेना की वापसी पर बात हो सकती है। चीन बॉर्डर पर तनाव के बीच मोदी की बर्थडे डिप्लोमेसी बेअसर हो गई है, ऐसा माना जा सकता है? हाँ देखिए, ये एक ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप तमाम कटुता के बीच में भी नहीं छोड़ते हैं, तो आपने उनके राष्ट्रपति को अगर उनका जन्मदिन है उस पर बधाई दी और उस बधाई के प्रत्युत्तर में कोई ऐसी गर्मजोशी वहां से नहीं दिखाई, तो ये माना जा सकता है कि चीन ने इसके जरिए अपनी नाराजगी जताने की कोशिश की। हालांकि कूटनीति ये कहती है कि अगर शुभकामना है तो शुभकामनाओं का जवाब उतनी गर्मजोशी से दिया जा सकता है। जमीन पर अगर आप युद्ध ऐसे देखा जाए तो भारत और चीन लगभग युद्ध की स्थिति में आ चुके हैं, उसके बावजूद भी भारत और चीन के बीच में व्यापार जारी, तमाम नारे उठ रहे हैं कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करें, फिर भी नहीं हो रहा है। आज हमारे बाजार चीनी वस्तुओं से पटे पड़े हैं, छोटे कारीगरों के हाथ में तो बल्कि जितना भी सामान है, हमारी हार्डवेयर की दुकानों से, छोटी दुकानों से जो सामान बिक रहा है वो अधिकतर चीनी उत्पाद है। तो चीन ने हमारे यहाँ पर बाजार पर जिस तरीके से कब्जा किया है, अगर हम उसी की बात करें और उसी की वापसी शुरू हो जाए तो चीन के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन युद्ध की इतनी स्थिति और चीन की इतनी धमकियों के बावजूद भी वो व्यापार अगर नहीं रुका है तो इसलिए कि उम्मीद रहती है कि शायद ये विवाद हल हो जाए और चीन इस मामले में ज्यादा समझदारी दिखाए। शुक्रिया जयदीप जी हमसे इस मुद्दे पर बात करने के लिए। वेब वार्ता में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों और जानकारी को जानने के लिए आप लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webduniya.com।